मैं असलम अंसारी, हाउस लीडर मालेगांव महानगर पालिका। आज जुम्मा के दिन अर्जेंट में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी गई। कल कमिश्नर साहब के बोलने के मुताबिक, कमिश्नर साहब ने कल एक बात बोली थी कि अगर तुम लोग कोई ठहराव करके मुझे देते हो तो मैं गवर्नमेंट से फंड की मदद लाता हूँ। तो उस पर शेख रशीद साहब ने बोला कि ठीक है, महासभा की या स्टैंडिंग का कौन सा ठहराव चाहिए, हम फौरन करवा देते हैं। तो कमिश्नर साहब ने बोले स्टैंडिंग का ठहराव तो वहीं डॉक्टर खालिक साहब भी बैठे हुए थे, तो वो भी फौरन बोले कि ठीक है, मैं कल के कल, आज के आज तुमको बना के देता हूँ। तो ये हुआ कि भाई फौरन मीटिंग कॉल की गई, और मीटिंग में आज कांग्रेस के 5 नगर सेवक डॉक्टर खालिक, शिवसेना का 1 नगर सेवक और बीजेपी का 1 नगर सेवक, महा विकास अघाड़ी के 2 नगर सेवक, ऐसे मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में विषय पढ़ा गया, उस पर चर्चा शुरू हुई। उसमें ये बताया गया कि भाई अगर ठहराव करके आप लोग देते हो तो मालेगांव महानगर पालिका में फंड आने की जवाबदारी कमिश्नर साहब की है, और कमिश्नर साहब ने बहुत उम्मीद से बात बोली है कि मैं फौरन फंड लाऊंगा। और मालेगांव शहर में जो कोरोना की बढ़ती तादाद है उस पर हमको आगे के लिए, क्योंकि ये कड़ी टूट नहीं रही है और ये कड़ी टूटना बहुत ज़रूरी है, और कड़ी टूटेगी जब तक के बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे, इसलिए मालेगांव शहर में हमको बहुत सारा इंतजाम करना है। जैसा कि मैंने कल भी ये बताया था कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो टेंट लगा हुआ है वहाँ क्वारंटाइन के लोगों को वहाँ पर रखना, वैसे ही टेंट मालेगांव शहर में बनाना, और क्वारंटाइन वालों को एक जगह जमा करके रखना, उनके एंटरटेनमेंट के लिए मुशायरे करे जाए या मौलाना का बयान रखा जाए और या कवि सम्मेलन रखा जाए, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम जिससे उनका दिल बहले, वो जो कोरन टाइम है उनका दिल बहले, और मालेगांव में अच्छी सुविधा दवाखाने की कैसी हो कि लोग आज अपनी बीमारी छुपा रहे, जीवन हॉस्पिटल के नाम पे लोगों के दिल में इतना डर बैठ गया है कि वो अपनी बीमारी छुपा रहे। तो बीमारी छुपाना नहीं है, उसको बताना है, उसका इलाज है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग को पॉजिटिव आने के बाद निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब अगर तुम खुल के आओगे तो पॉजिटिव के बाद इंशाल्लाह निगेटिव भी आएगा, और छुपाने से वो बीमारी और बढ़ रही है, इसलिए लोग छुपाए ना, और उनके लिए अच्छी से अच्छी क्या सुविधा हो सकते, इसके लिए कमिश्नर साहब ने बहुत जद्दोजहद यानी किए। और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तायरा मैडम भी अव्वल दिन से लगी हुई है, शेख रशीद साहब उनके साथों साथ लगे हुए हैं, और कोई भी बात की जहां से भी कंप्लेंट आती है वो फौरन तायरा मैडम, शेख रशीद साहब पहुंच के वहां उसकी कंप्लेंट दूर करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज की मीटिंग में हम लोगों ने वो विषय को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसमें एक राय से मंजूरी नहीं हुई, कुछ लोगों का उस पर विरोध था, लेकिन हमने कांग्रेस के नगर सेवक, शिवसेना बीजेपी के नगर सेवक डॉक्टर खालिद ने हमने एक आवाज़ में उस विषय को मंजूर किया, और इंशाल्लाह शहर के हित के लिए जो अच्छी बात रहेगी उसको भी ऐसे ही हम एक राय से मंजूर करेंगे, और किसी का विरोध तो ना देखते हुए हम अपने तौर से ऐसा हर विषय जिसमें आवाम का फ़ायदा हो उसे मंजूर करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज शेख रशीद साहब, तायरा मैडम और शिवसेना बीजेपी के लोग, हमने एक लेटर कमिश्नर को दिया है कि भाई गांव में 70% लोग गरीब है, और आज 43-44 दिन हो गया है लॉकडाउन लगने को, अब गरीब आदमी परेशान हो गया है, तो जो किट देने की बात है कॉरपोरेशन की तरफ से या नगर सेवक के फंड से, तो कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो किट हमारे फंड से बांटा जाए, लेकिन कमिश्नर साहब बोले ऐसा कोई कानून में है नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कमिश्नर साहब बोले मैं जैसी भी मदद हो सकती है शहर वालों की मैं करूंगा, ऐसा एक लेटर हम लोगों ने आज दिया
कि शहर वालों को कम से कम खाना देने की सुविधा हमारे नगर सेवक फंड से की जाए, तो उस पर आज हमने लेटर दिया है, इंशाल्लाह उस पर ही 2-4 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा।